हेलो ऑल, वेलकम वेलकम बैक टू अपना चैनल शिल्पज एजुकेशन। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर सीए मोहित तापड़िया। और अब मैं लेके आ रहा हूँ एक रिवीजन सीरीज, राइट। बहुत टाइम से बच्चे मुझे बोल रहे कि सर थोड़ा सा रिवीजन करवाइए, एग्जाम पास में आ रहे हैं। वी नो दैट वी हैव गुड एग्जाम्स इन द मंथ ऑफ मार्च। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको सारे के सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स का पूरा रिविजन करवा दूँ। सबसे पहले मैं वो सब्जेक्ट से स्टार्ट करूँ। बच्चे सब्जेक्ट को अभी तक मैंने पढ़ाना चालू भी नहीं किया है। तो सबसे पहले आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ओसी, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स फॉर स्टैंडर्ड 12th गुजरात बोर्ड। हम पहले से लेके आखिरी चैप्टर तक सारे चैप्टर्स रिवाइज करेंगे। मैंने बहुत ही सुंदर से नोट्स आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं, वो सारे के सारे नोट्स मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूंगा। मैं अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। बहुत धीरे धीरे स्क्रीन घुमाऊंगा, आप चाहो तो नोट्स कॉपी कर सकते हो। आपको कोई भी इश्यूज हो तो नीचे आपके पास एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल कर लीजिए या आप एक मैसेज कर दीजिए। आपको जो भी हेल्प चाहिए वी विल डू दैट इफ पॉसिबल। प्लीज मैसेज कीजिएगा, हम कॉल के जवाब शायद नहीं दे पाए, आप मैसेज छोड़ दीजिए। जो भी आपको हेल्प चाहिए मैं आपको 100% हेल्प करूंगा। और हमें फॉलो करना ना भूले ऑन इंस्टाग्राम। मेरी पर्सनल आईडी है मोहित सर, MOHIT SIRR। शेपर्स एडुकेशन की इंस्टाग्राम आईडी भी आप फॉलो कर सकते हैं, साथ साथ लाइक शेयर करते रहना है, राइट। सो आज हमारा काम रहेगा, हम स्टार्ट कर रहे हैं उसी की रिवीजन सीरीज के साथ में। हम उसी के सारे चैप्टर रिवाइज करेंगे फटाफट क्विक तरीके से। सो हम आ जाते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना अपने काम पे, अपने टॉपिक पे। आज हम सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला चैप्टर, सबसे छोटा सा, सिंपल सा, इंपॉर्टेंट सा चैप्टर, फटाफट क्विक रिविजन के लिए हम आगे बढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम बात करेंगे भैया, What we mean by this word management? Management का मतलब क्या होता है? Management का basic meaning होता है आप किस तरह से अपने आसपास के सारे लोगों को मैनेज करते हैं, आप किस तरह से अपने काम को मैनेज करते हैं, आप किस तरह से अपने सारी एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं, that is basically management। अब management की बहुत सारी डेफिनेशन दी है यार, बट जिसकी डेफिनेशन छोटी उसका नाम बड़ा टेढ़ा है यार। कॉन्स एंड ओडोनेल, राइट। डेफिनेशन बड़ी सिंपल है और जिसकी डेफिनेशन नाम इजी है उसकी डेफिनेशन बड़ी है, जॉर्ज आर टेरी। So, इसकी डेफिनेशन बड़ी है, आपको कोई भी एक डेफिनेशन याद कर लो यार चलेगा। सबसे सिंपल वाली डेफिनेशन यही है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट है जहां पर आप किस तरीके से अपने सारे काम किसी और से करवाते हो जिससे आपका दोनों का गोल अचीव हो जाए, दैट इज बेसिकली मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट का सबसे सिंपल, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है काम करवाना अपने सबॉर्डिनेट से, अपने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सारे चेन से आपको अपने काम करवाने हैं, उसे बेसिकली मैनेजमेंट कहा जाता है। So, ये सिंपल से डेफिनेशन है। मैंने कहा था पॉज करके नोट्स आराम से कॉपी करते रहिए, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, ये आपके लिए है, आपके लिए हमने इतनी मेहनत की है। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बेसिक नेचर क्या होते हैं वो हमें यहाँ देखना पड़ेगा। सो मैनेजमेंट के नेचर को हम लोगों ने अलग अलग पॉइंट में डिवाइड किया है, स्टार्टिंग विद द वेरी वेरी फर्स्ट वन। मैनेजमेंट हर जगह होता है, यूनिवर्सल प्रोसेस है मैनेजमेंट। हर जगह मतलब अत्र तत्र सर्वत्र, मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। आपके घर में, आपकी स्कूल में, एक स्टूडेंट के लिए, एक मैनेजर के लिए, टीचर के लिए, हर आदमी को अपने लाइफ में मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। मैनेजमेंट इज देयर एट एवरी स्टेप ऑफ लाइफ। आप कुछ भी काम करेंगे आपको मैनेजमेंट चाहिएगा ही चाहिएगा। घर पे हमारी मम्मी डेली कितने सारे मैनेजमेंट एक्टिविटीज करती है, वो डेली अज्यूम करती है कितना खाना हम खाएंगे, कौन सा खाना बनाएंगे, खाना बहुत बार रिपीट ना हो, हर किसी को खुश करने की कोशिश की जाती है, आपको अच्छा खाना खिला के आपसे कुछ काम भी करवाया जाता है। सो एवरी एक्टिविटी इज डन। वैसे ही जब हमारे घरों में शादी होती है, हमारे घर का सबसे बुजुर्ग आदमी कुर्सी लेके सेंटर में बैठ जाता है और वो सब छोटे छोटे भाइयों को, बहनों को, चाचा चाची को, सबको काम देता रहता है। ही इज द मेन मैनेजर। वो काम करते नहीं है बट वो कब सबसे काम करवाते हैं, उन्हें शादी की स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक की सारी प्रिपरेशंस पता होगी। आप देखिए मैनेजमेंट हर जगह है। सो मैनेजमेंट का कनेक्शन सिर्फ बिजनेस से नहीं है, मैनेजमेंट इज एवरीवेयर, राइट। सेकेंड वन, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। मैनेजमेंट हमेशा किसी एक ऑब्जेक्टिव, किसी गोल के साथ किया जाता है। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव रहेगा तो मैनेजमेंट थोड़ा क्लियर होता है, बिना ऑब्जेक्टिव से किए जाने वाला मैनेजमेंट थोड़ा सा हेजी होता है, इसलिए मैनेजमेंट के लिए एक अच्छा गोल होना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट करने के लिए भैया लोग तो होने चाहिए, एक अकेला आदमी को क्या ही मैनेज कर लेगा। सो यू नीड ग्रुप, यू नीड पीपल टू मैनेज। सो मैनेजमेंट के लिए जिस तरह से ग्रुप चाहिए उस तरह से सबॉर्डिनेट चाहिए, आपके साथ काम करने वाले लोग चाहिए। इनफैक्ट दो या दो से ज्यादा लोगों तो मैनेजमेंट पॉसिबल होता है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है,
कंटिन्यूस एक्टिविटी मतलब मैनेजमेंट, ऐसा नहीं कि भैया एक बार किया और खत्म, काम हो, आपको मैनेजमेंट हर बार करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है, लगातार करना पड़ता है। मैनेजमेंट कभी भी रुकता नहीं है। आप ये सोचो कि चलो एक बार मैनेज किया, काम हो गया, नहीं चलेगा। मैनेजमेंट आपको हमेशा करना पड़ेगा। एक बार किया वापस, सेकंड टाइम करो वापस, थर्ड टाइम करो। सो मैनेजमेंट हमेशा चलता रहता है, ऑब्जेक्टिव्स चेंज होते रहते हैं, अचीवमेंट्स चेंज होते रहते हैं। मैनेजमेंट एक बेसिक साइकिल है जिसका बेसिक काम ही है भैया पहले ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करो, ऑब्जेक्टिव को अचीव करो, फिर से ऑब्जेक्टिव को रिडिफाइन करो, फिर से अचीव करो, फिर से रिडिफाइन करो और फिर से अचीव करो। मैनेजमेंट में ये चलता ही रहने वाला। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ह्यूमन प्रोसेस है, मशीन्स को मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैनेज होता है इंसान। सो मैनेजमेंट एक ह्यूमन प्रोसेस है, यहाँ पे आप इंसानों के साथ डील करोगे। और ये इसलिए मुश्किल है क्योंकि सारे इंसान अलग होते हैं, एवरी पर्टिकुलर पर्सन इज डिफरेंट, हर आदमी अलग होता है, तो इसे मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बोलते हैं ना, कोई लातों के भूत होते हैं तो कोई बातों के भूत होते हैं। तो अब आपको पता है कि किसको डांट के समझाना, किसको प्यार से समझाना, दैट इज ग्रेट अमाउंट ऑफ टास्क। इसलिए मैनेजमेंट एक ह्यूमन प्रोसेस होता है जहां पे हम इंसानों के साथ डील करें, ह्यूमन बींग्स के साथ डील कर रहे हैं। नेक्स्ट, डिसीजन प्रोसेस। मैनेजमेंट के अंदर आपको बहुत बार अलग अलग जगह डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। आप अगर डिसीजन मेकिंग प्रॉपर नहीं कर पाएंगे तो आप एक अच्छे मैनेजर नहीं बन पाएंगे। सो डिसीजन लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना भी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए मैनेजर। नेक्स्ट, मैनेजमेंट साइंस भी है, आर्ट भी है, प्रोफेशन भी है। हम आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मैनेजमेंट को साइंस भी कहा जाता है, आर्ट भी कहा जाता है, प्रोफेशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो हम आगे आराम से डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना याद करो कि मैनेजमेंट तीनों है। चलिए अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के क्या बेसिक इंपॉर्टेंस है? तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को अलग अलग पॉइंट में आपके लिए डिफाइन किया गया है। सबसे पहला, मैनेजमेंट हर फील्ड में चाहिए, चाहे मैंने कहा था वो बिजनेस हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे घर हो, कुछ भी क्यों ना हो, एवरी प्लेस यू नीड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का दूसरा काम होता है आपके रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, मतलब आपके रिसोर्सेस को अच्छे से यूज करना, चाहे वो लैंड हो, चाहे लेबर हो, चाहे कैपिटल हो, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, चाहे मशीन हो, चाहे मटेरियल हो, हम उनके वेस्टेज को अवॉइड करना चाहते हैं। ये मैनेजमेंट का सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। तीसरा, मैनेजमेंट आपको अपने गोल्स को अचीव करने में, आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करने में हेल्प करता है। सो अगर अच्छा मैनेजमेंट होगा तो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को 100% अचीव कर पाएंगे, अकम्प्लिश कर पाएंगे। नेक्स्ट, मैनेजमेंट हर बार आपके बिजनेस के सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। दुनिया में वही बिजनेस सक्सेसफुल हो पाते हैं जिनका मैनेजमेंट बेटर है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म चले, बहुत लंबे समय तक चले, तो आपको उसके लिए अच्छे मैनेजमेंट को हमेशा हमेशा पार्ट करना पड़ेगा, या आपको खुद को अच्छा मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। अच्छे मैनेजमेंट सिर्फ पैसा नहीं कमाते, अच्छा मैनेजमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करता है, वो आपके लिए नौकरी भी क्रिएट करता है, देश के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करता है। तो अच्छा मैनेजमेंट एक तरीके से बहुत बड़ा जॉब गिवर भी होता है। नेक्स्ट, अच्छा मैनेजमेंट बिजनेस के प्रॉफिट को एनहांस करता है। अच्छा मैनेजमेंट बहुत सारे सोशल बेनिफिट्स भी करता है, मतलब वो सिर्फ पैसा कमाना नहीं जानता है, उस पैसों को जिनसे कमाया है यानी कि सोसाइटी, उनको वापस से रिटर्न भी देना जानता है। अच्छा मैनेजमेंट बच्चों के लिए चिल्ड्रंस पार्क बनाता है, अच्छा मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज के बेनिफिट्स पे ध्यान देता है, अच्छा मैनेजमेंट सोसाइटी के वेलफेयर पे ध्यान देता है, अच्छा मैनेजमेंट ये भी कोशिश करता है कि मैं सिर्फ कस्टमर्स को लूटूंगा नहीं, उनको सही दाम पे कमोडिटी बना के भी दूंगा, उनको अच्छे गुड्स और सर्विसेज भी प्रोवाइड करूंगा। सो अच्छा मैनेजमेंट सोसाइटी के लिए बहुत बेनिफिट भी करता है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ फिलहाल। आई एम जस्ट डूइंग बेनिफिट फॉर यू पीपल, आप मानो मत मानो, ये बेसिक बेनिफिट है। मैं आपको सारे के सारे चैप्टर्स यही पे समझाने वाला हूँ, यही पे एक एक पॉइंट आप डिस्कस करेंगे, मतलब मैं आपके लिए एक तरीके से पूरी टेक्स्ट बुक खोल के सामने बैठा हूँ। आपके अगर कल एग्जाम है, आप खाली इस वीडियो को स्क्रॉल करते जाओ, मेरे साथ साथ पढ़ते जाओ, आपके पीछे जो डेटा आ रहा है उसको पॉज करो, दो बार तीन बार लर्न कर लो, आगे बढ़ो। तो आपको अब टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं है, ये एक तरीके से मेरा सोशल सर्विस है। आई एम जस्ट गिविंग व्हाट सोसाइटी हैज गिवन मी, मैं वापस से आप तक पहुंचा रहा हूं। एंड नेक्स्ट वन, नेशनल मोटिव। एक अच्छा मैनेजमेंट पूरे देश के लिए अच्छा होता है, एक अच्छा मैनेजमेंट पूरे देश का नाम रोशन करता है, एक अच्छा मैनेजमेंट देश में नई तकनीक लाता है, एक अच्छा मैनेजमेंट देश को वर्ल्ड मैप पे दिखाता है। जैसे कि हमारी कंट्री की कुछ बड़े बड़े कंपनीज है, अदानी ग्रुप हो गया, अंबानीज हो गए, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज एस्टैब्लिश की, मिस्टर रतन टाटा जी को पूरी दुनिया मानती है। आप दुनिया के बाहर भी कहीं जाएंगे, इंडिया के बाहर भी कहीं जाएंगे, तो आपको रतन टाटा के फॉलोअर्स, रतन टाटा के फैंस आपको वहां मिलेंगे, बिकॉज ही हैज द ग्रेट अमाउंट ऑफ थिंग्स फॉर द वर्ल्ड ओवरऑल, राइट। 180 कंट्रीज में टाटा ग्रुप को पहुंचाया है।
सो इट्स नॉट दैट इजी, इतना इजी नहीं होता है। इसलिए अच्छा मैनेजमेंट आपके देश के मुद्दे को भी आपके लिए सिंपल करता है। चलिए इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मैंने आपको ऊपर कहा था ये नीचे डिस्कस करेंगे, उसका समय आ गया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि बेसिकली मैनेजमेंट साइंस है या मैनेजमेंट आर्ट है या भैया मैनेजमेंट प्रोफेशन है, मैनेजमेंट तीनों में से क्या है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि मैनेजमेंट तीनों, चलिए समझते क्यों है। सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजमेंट साइंस क्यों है। सो साइंस के अंदर चार चीजें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला, साइंस के लिए एक सिस्टमेटिक बॉडी होना इंपॉर्टेंट है, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है जो मैनेजमेंट भी है। दूसरा, जिस तरह से साइंस में ऑब्जर्वेशन होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वैसे मैनेजमेंट में भी है। हर आदमी एक तरीके का मैनेजमेंट सारे बिजनेस पे अप्लाई नहीं कर सकता है, उसको हर बिजनेस के लिए अलग मैनेजमेंट टेक्निक को डेवलप करना पड़ता है। देयरफॉर सेम एज साइंस मैनेजमेंट में भी ऑब्जर्वेशन होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, सेम एज साइंस मैनेजमेंट में भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होते हैं। मतलब अगर आपने ये किया तो आपको वो मिलेगा, अगर आपने ये किया तो ये आपका आउटपुट या ये आपका आउटकम होगा। तो इस तरीके से मैनेजमेंट में भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, और जिस तरह से साइंस यूनिवर्सल है वैसे ही मैनेजमेंट भी यूनिवर्सल है। दुनिया के कहीं भी जगह किसी भी कोने में आप अपने मैनेजमेंट को अप्लाई करके अपने बिजनेस को अच्छा बना सकते हैं। देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट मैनेजमेंट इज अ साइंस। वैसे अगर हम बात करेंगे भैया मैनेजमेंट आर्ट है, तो यस मैनेजमेंट आर्ट है। साइंस सिर्फ आपको नॉलेज देता है, बट उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना आपको साइंस सॉरी मैनेजमेंट में करना पड़ता है, जो बेसिकली आर्ट होता है। इम्प्लीमेंटेशन हर आदमी की पर्सनल स्किल्स है यार। यू कैन से कि अगर मैंने एमबीए किया है, मेरे जैसे तीन जनों ने और एमबीए किया है, तो इट डजंट मींस कि हम तीनों का बिजनेस सेम लेवल पे कर, नॉट एट ऑल। हमने एमबीए किया मतलब हमने थियोरेटिकल नॉलेज सेम लिया है, बट उस थियोरेटिकल नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन वो हमारा पर्सनल स्किल है, हमारी पर्सनल क्रिएटिविटी है, हमारा पर्सनल परफेक्शन है, राइट। और बेसिकली मैनेजमेंट आदमी करते करते सीखता। मैंने आज से 17 साल पहले शेपर्स स्टार्ट किया था। जब मैंने शेपर्स स्टार्ट किया था तब पहले दिन ये ऐसा नहीं था जैसा आज है, और आज से 10 साल बाद ये ऐसा नहीं होगा जैसा अभी है, क्योंकि हम काम करते करते सीख रहे हैं, हम अपनी गलतियां ढूंढते हैं, उनको रेक्टिफाई करते हैं, हम समय के साथ साथ खुद को बदलते हैं। तो यही काम होता है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट बेसिकली परफेक्ट होता है बाय प्रैक्टिस। सेम वे मैनेजमेंट प्रोफेशन भी है। क्यों प्रोफेशन है? क्योंकि मैनेजमेंट में स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए भैया, फुल नॉलेज है। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो आई हैव नॉलेज ऑफ कॉमर्स, सो आई कैन टीच कॉमर्स। आई कांट टीच साइंस, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स नहीं आता, सो मैं वो नहीं सिखा सकता हूँ। तो यस, यहाँ पे स्पेसिफाइड स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, यहाँ पे फॉर्मल ट्रेनिंग और एजुकेशन चाहिए। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो बीकॉम वगैरह करने के बाद में एजुकेशन फील्ड में आना चाहते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं कि भैया पेपर कैसे चेक करना है, पेपर कैसे बनाना है, बच्चों को डाउट कैसे बताने हैं, एग्जाम होने से पहले हम किस तरह से प्रिपरेशन करवाएंगे, बच्चों को क्लास में पढ़ाना कैसे, प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, मैनी थिंग्स। सो मैनेजमेंट के अंदर भी जिस तरह से एजुकेशन और ट्रेनिंग होती है, वो एजुकेशन ट्रेनिंग साइंस और आर्ट्स में भी होती है, प्रोफेशन में भी होती है, हर जगह इंपॉर्टेंट है वो। सेम वे मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, क्योंकि ये एक सर्विस मोटिव से किया जाता है। एंड लास्ट इज, जिस तरह से प्रोफेशन में स्टैचुटरी बॉडी होती है, या हर एक प्रोफेशन की एक बॉडी होती है, जैसे कि सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट की बॉडी है आईसीएआर, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। लॉयर्स की बॉडी होती है बार काउंसिल, जो उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है। वैसे मैनेजमेंट के लिए भी एक बॉडी होती है, जो मैनेजमेंट के सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, जिसके अंदर मैनेजमेंट सारे रूल्स फॉलो करता है, आईआईटीज जाते हैं जो मैनेजमेंट सिखाते हैं इनको। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन चीजों को मैंने बहुत डिटेल में नीचे आपके लिए लिखा भी, आप आराम से इसको पॉज करके कॉपी कर सकते हैं, आप आराम से इसको लर्न कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके हेल्प के लिए बनाई गई है। तो ऊपर छोटा सा डायग्रामेटिक फॉर्म बनाइए, जब भी एग्जाम में आंसर लिखे और वो आंसर 4 या 5 मार्क का हो, और आपकी हैंड राइटिंग स्पीड अच्छी हो, आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी हो, तो मैं हमेशा से लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि डायग्राम ड्रॉ करिए, प्रेजेंटेशन को नीट रखिए, स्केल पेंसिल यूज कीजिए, लाइन खींचिए, ब्यूटीफुल डायग्राम बनाइए, जिससे एग्जामिनर को आपके पेपर को देखते लगे कि आप पेपर लिखा है, जिसने मजा आ गई। और आप मानिएगा, एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि चीजें दिल और दिमाग में बाद में पहुंचती, पहले आंखों को पसंद आती है तो ही आगे बात बनती है। ये हर चीज पर डिपेंड करता है। अगर आपका पेपर दिखने में अच्छा होगा तो एग्जामिनर को एक पॉजिटिविटी आएगी, उसको बहुत अच्छी तरह से चेक करेगा। आपने पेपर को लिटोरे लिटोरे करके रफ वर्क की तरह लिखा है,
एग्जामिनर आपको मार्क्स भी वैसे ही देगा। आंखों का बहुत बड़ा रोल होता है। आपकी मम्मी आपको घर पे अगर खाना सर्व कर रही है, वो पालक की सब्जी आप उसे नहीं खाओगे, बट वही पालक की सब्जी को अगर ऊपर चीज डाल के मम्मी आपको सर्व करे थोड़ा ब्यूटीफुल तरीके से, उसमें कुछ पनीर के पीसेस डाल के, तो आपको लगेगा तो कुछ अच्छी चीज है यार, लेट्स गो फॉर इट, राइट। सो इम्पोर्टेंट होता है प्रेजेंटेशन का, आप किस तरह से चीजों को प्रेजेंट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ पेपर को बहुत अच्छी तरह से लिखना इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि भैया क्यों प्रोफेशन है, उसकी क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहला, हम वैसे तो पढ़ चुके हैं, एक बार आपके लिए फटाफट रिव्यू कर देता हूँ। यहाँ पे भी स्पेशलाइज नॉलेज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नॉलेज और रिसर्च चाहिए जो मैनेजमेंट में भी चाहिए, प्रोफेशन में भी चाहिए। जिस तरह से प्रोफेशन में एसोसिएशन होते हैं, मैनेजमेंट में भी एसोसिएशन होते हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ICAI और बार काउंसिल का। जिस तरह से प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट होता है, मैनेजमेंट में भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जैसे कि लोगों ने नीचे एग्जाम्पल आपको ICAI का दे रखा है। और यहाँ पे एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं हो, आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि एज अ CA हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्लाइंट के डेटा किसी के साथ शेयर नहीं करते, हम लोगों को बताते नहीं है कि यार इसने तो बहुत फायदा किया है या इसने तो बहुत नुकसान किया है, नहीं, वी डोंट शेयर आर थिंग्स विद अदर्स। सो वैसे ही प्रोफेशन में जिस तरह से आपको मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसे ही मैनेजमेंट में भी आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मैनेजमेंट सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं करेंगे, आप मैनेजमेंट सोसाइटी के बेनिफिट के लिए करेंगे, आप मैनेजमेंट अपने देश के लिए करेंगे, आप मैनेजमेंट अपने साथ काम करने वाले एम्प्लॉयज के लिए करेंगे, आप अच्छा मैनेजमेंट अपने स्टेक होल्डर्स के लिए करेंगे। सो मैनेजमेंट की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आप एक चीज देखिएगा, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में तीन लेवल्स होते हैं, सबसे पहला टॉप लेवल, दूसरा मिडिल लेवल, तीसरा बॉटम लेवल। अब आप ऑब्जर्व कीजिएगा, टॉप लेवल के बहुत छोटा बनाया गया है, एक पिरामिड स्ट्रक्चर दे रखा है इस चीज को। हम इसकी जगह गोल, स्क्वायर, रेक्टेंगल कुछ और बना सकते थे, हमने पिरामिड ही क्यों बनाया, इसका बहुत बड़ा लॉजिक है। क्योंकि टॉप लेवल पे जगह बहुत कम होती है, ऑक्सीजन भी बहुत कम होता है, तो एक पहाड़ टाइप स्ट्रक्चर बना रखा है कि भैया जितना आप अपनी लाइफ में ऊपर आते रहोगे, यहाँ पे लोग भी कम होंगे, यहाँ पे जगह भी कम है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल भी कम होता है, तो इस प्लेस पे हर आदमी नहीं पहुंचता। इसलिए मैनेजमेंट बाय टॉप लेवल को पिरामिड ही बनाया गया। बॉटम लेवल पे आप देखो खूब भीड़ है यार, बहुत भीड़ है, पूरी दुनिया जहां के लोग ये बॉटम लेवल पे आ सकते हैं, इसलिए इसको पिरामिड ही बनाना, इसको रेक्टेंगल स्क्वायर मत बनाना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। टॉप लेवल पे लोग कम होते हैं, बॉटम लेवल पे लोग ज्यादा होते हैं। टॉप लेवल तक पहुंचने के लिए आपको नीचे की दोनों लेवल क्लियर करके टॉप लेवल पे आना पड़ता है। कोई भी आदमी डायरेक्टली मैनेजर नहीं बनता है, उसके पास नीचे की सारी स्किल्स होती है, पूरी उसको मैनेजमेंट का काम दिया जाता है। इट्स नॉट इजी टू बी अ गुड मैनेजर, राइट एनफ। सो इसलिए दीज आर बेसिक थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये आंसर हर बार एग्जाम में पूछते हैं और बहुत ईजी आंसर है, डोंट नो क्यों उनको इतना पसंद है, बट बहुत बार पूछते हैं ये लोग। चलिए अब हम बात करेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट में, जिसमें आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें आते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जनरल डायरेक्टर्स, चेयरमैन, ये सब लोग आते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर। इनके बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं, इनका काम होता है बिजनेस के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो, इनका काम होता है ट्रस्टीज को, डायरेक्टर्स को, इनको बिजनेस एंटरप्राइज के बारे में बताओ, इनका काम होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को सिलेक्ट करो, उनको अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करो, इनका काम रहता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बजट बनाइए, लॉ एंड ऑर्डर को समझिए और सोचिए कि आपको लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना ही है, अपने स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है, आपको बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज बनानी है, आपको ये भी कोशिश करना है कि आप सारे लीगल प्रोविजंस को फॉलो करो, आपको अपने एंटरप्राइज के सारे जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं उसे हमें इंप्लीमेंट करना है, हमें जो भी प्रॉफिट हम कमाते हैं अपने बिजनेस से, तो ये टॉप लेवल का काम है कि उस प्रॉफिट को आप एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाकी सारे स्टेक होल्डर्स के बीच में। तो ये कुछ काम होते हैं जो टॉप लेवल करता है। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के सारे स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करते हैं। तो ये सब काम होते हैं टॉप लेवल के। उसके बाद में आता है मिडिल लेवल। मिडिल लेवल के बेसिक मिडिल लेवल में बेसिकली होते कौन है, मिडिल लेवल में होते हैं सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर, डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर लेवल वाले लोग सबके सब मिडिल लेवल पे होते हैं। इनका काम होता है बेसिकली टॉप लेवल और बॉटम लेवल के बीच का एक ब्रिज होता है। इनका काम होता है जो भी टॉप लेवल से आपको इंस्ट्रक्शंस मिले, वो इंस्ट्रक्शंस को सारे डिपार्टमेंटल लेवल पे अप्लाई करो, जो पॉलिसीज टॉप लेवल ने फॉर्मुलेट की है उन पॉलिसीज को डिपार्टमेंटल लेवल पे अप्लाई करो, आप कोशिश करो कि आप
अपने अपने डिपार्टमेंट में एक एंथुसियाज्म मेंटेन कर सको, आप डिपार्टमेंट के अंदर एक अच्छा कोऑर्डिनेशन, एक अच्छा टच मेंटेन करो, आप चेक करो कि आपके डिपार्टमेंट के अंदर के फंक्शन सारे बराबर हो रहे हैं, आप अपने डिपार्टमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन टॉप लेवल तक पहुंचाओ, जिससे टॉप लेवल को पॉलिसी फ्रेमिंग में बहुत हेल्प मिल सके। और साथ साथ में आप ये भी कोशिश करिए कि आपके डिपार्टमेंट सारे पॉलिसी फॉर्मेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल दे सके टॉप लेवल। और सबसे लास्ट होता है बॉटम लेवल। बॉटम लेवल पे सारे वर्कर्स, लेबरर्स, जॉबर्स, फोरमैन, सुपरवाइजर्स, वो लोग होते हैं। इनके बेसिक काम होते हैं कि भैया एम्प्लॉयज को सुपरवाइज करो, ये एम्प्लॉयज को काम सिखाओ, इनका काम है एम्प्लॉयज के मॉरल को मेंटेन रखो, इनका काम है कि एम्प्लॉयज को अलग अलग डिपार्टमेंट और टीम के बारे में बताइए, इनका काम है ट्रांसफर्स देखना, प्रमोशन देखना, ट्रेनिंग देखना, इनका काम है जो भी मशीन्स वगैरह की रिपेयरिंग वगैरह, मेंटेनेंस वगैरह को चेक करना, डिपार्टमेंट से जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस मिले हैं मिडल लेवल से वो इंस्ट्रक्शंस को नीचे वर्कर्स तक बताना, वर्कर्स को समझाना और वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करवाना। इनका ये भी काम होता है कि रॉ मटेरियल का टूल्स का इनका ध्यान रखे, वर्कर्स की डे टू डे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, साथ साथ में टॉप लेवल की पॉलिसी मेकिंग को इम्प्लीमेंट तो फाइनली भैया इनको ही करना है। टॉप लेवल वाले सिर्फ पॉलिसी बना सकते हैं, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का काम सिर्फ इनका ही होता है। इनको सजेशंस कंप्लेंट्स देने का अधिकार है, बॉटम लेवल वाले सजेशंस कंप्लेंट्स देते हैं मिडल लेवल को जो फाइनली टॉप लेवल तक जाती है। तो बेसिकली बॉटम लेवल जो होता है वो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट होता है, टॉप लेवल जो होता है वो थिंकिंग राइट प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है, और मिडल लेवल एक दोनों के बीच का ब्रिज होता है। ये बेसिक ओवरऑल एस्पेक्ट होते हैं इन तीनों लेवल्स के। इसके बाद में यहाँ पे आपको डिफरेंस दे रखा है, ये डिफरेंस में बहुत सारे पॉइंट्स है और ऑनेस्टली है भी इतने पॉइंट्स, बट आपको इतने सारे याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप कोई भी पांच छह भी कर लेंगे तो चलेगा, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से मोस्टली डिफरेंसेस लोग दो तीन मार्क में ही पूछते हैं। तो अगर 3 मार्क में पूछा जाए तो आप पांच छह डिफरेंस लिखेंगे तो मोर देन इनफ हो जाता है। देखिए मैं हमेशा से सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप हमेशा से एग्जामिनर के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा उनको देके आइए, वो बड़े खुश होते हैं। 3 मार्क के आंसर में लोग 3-4 लिखते हैं उनको भी मार्क्स मिलता है। मेरा मानना अगर आपको आता है 5 लिख के आओ यार क्या प्रॉब्लम है, इट्स ऑलवेज गुड राइट। चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिसके ऊपर आगे पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक चल रही है, दैट इज बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हम बोलते हैं पॉज्ड कॉर्प राइट। आप लोगों ने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा क्योंकि आप साल खत्म होने पे आगे 100% सुना होगा, ये POSDCORP, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और रिपोर्टिंग एंड फाइनली बजटिंग। इस तरह से पूरा का पूरा पॉज्ड कॉर्प बना है, जिसमें सबसे पहला डिपार्टमेंट होता है प्लानिंग का, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग, पांचवा कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन एंड द लास्ट वन इन लोगों ने लिखा नहीं बजटिंग को नेक्स्ट चैप्टर में डाल देंगे, दैट इज बेसिकली पॉस्ट कॉर्प। सो पॉस्ट कॉर्प के अंदर ये बेसिक फंक्शंस होते हैं। वैसे तो ये सारे चैप्टर्स आगे हम पढ़ेंगे, फिर भी बोल भी देता हूँ, प्लानिंग का मतलब होता है अपने कंपनी के लिए, अपने बिजनेस के लिए प्लान करना। प्लानिंग सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आप जो प्लान करेंगे वही आप एक्सिक्यूट करेंगे, तो आपके लिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। प्लानिंग फ्यूचर के लिए की जाती है और उसे इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप अपने प्लान के हिसाब से अपने लिए एक ऑर्गेनाइजिंग तैयार करोगे कि भैया हमें कितने लोग चाहिए, किनके पास क्या अथॉरिटी होगी, किनके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। हम ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन स्टार्ट करते हैं, हम ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेंगे, हम पॉलिसीज बनाएंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट के प्रोग्राम्स बनाएंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट को अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करेंगे, ये काम होता है ऑर्गेनाइजिंग का। उसके बाद में आता है भैया स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर हमने जो ऑर्गेनाइजिंग किया है उसमें हमें कितने रोल्स चाहिए, हमें कितने लोग चाहिए, उनको हम हायर करते हैं, उन लोगों को हम रिक्रूट करेंगे, ट्रेन करेंगे, और वो सब काम आता है स्टाफिंग के अंदर। डायरेक्शन का मतलब होता है आपने जो एम्प्लॉयज को लिया है उन एम्प्लॉयज को डायरेक्ट करो, सुपरवाइज करो, मोटिवेट करो, कम्युनिकेट करो उनके साथ में, एक लीडरशिप का एक नया फॉर्म आपको वहां पर शो करना पड़ेगा। फिर आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है आपने जिन जिन लोगों को जो जो काम दिया था उनकी जवाबदारी लो, आप उनसे क्वेश्चंस पूछो कि तुमने वो काम बराबर किया है नहीं किया है, आप चेक करो, रिजल्ट्स चेक करो, एफर्ट्स चेक करो, चेक करो कि आपके ऑब्जेक्टिव अचीव हुए हैं नहीं हुए हैं, चेक करो कि आपके रिसोर्सेस कहीं वेस्ट नहीं हो रहे हैं। फिर काम होता है कोऑर्डिनेशन का, जिसका मेन मोटिव होता है कि आप सारे डिपार्टमेंट्स को, सारे फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करिए। इसके इंपॉर्टेंस फंक्शन आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं, वरना आगे जाके पूरा चैप्टर आएगा जहाँ पे डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, तो दो जगह पढ़ के कंफ्यूजन अगर आपको पूरा हो तो आगे जाके पढ़ो तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट इज फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के बहुत सारे एरियाज होते हैं, जैसे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। ये सारे मैनेजमेंट के एरियाज अपने आप में बहुत बड़े बाप है, ये छोटा एरिया नहीं है। मार्केटिंग अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, एचआर अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, तो ये सारे फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट
अपने आप एक बहुत जायंट फील्ड है, और इन हर फील्ड के अंदर लाखों लोग लगे हुए हैं, लाखों एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं जो इस फील्ड को डेली 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 सर्विस देते हैं, इस फील्ड में डेली डेली नए इनोवेशन लाते हैं। सो ये सारे मार्केटिंग मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं, जिसके अंदर बेसिकली चार फंक्शंस यहाँ पे मैंने दिए, इसके सिवा और भी बहुत होते हैं। सर मैंने जैसे कि कहा था मैनेजमेंट अनगिनत होता है, मैनेजमेंट को मेजर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे मैंने आपके लिए इन सारे के सारे मार्केटिंग मैनेजमेंट्स के इम्पोर्टेंस वगैरह यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखे हैं, बहुत ईजी है ये, आप आराम से इनको पढ़ सकते हैं। मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूँ तो दे देता हूँ, जैसे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या काम होता है। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम होता है भैया प्रोडक्ट फिक्स करिए, प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स करिए, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना वो फिक्स करिए, प्राइसेस क्या होंगे वो फिक्स करिए। सेम वे ह्यूमन रिसोर्स वालों का क्या काम होता है, उनका काम होता है लोगों को लाना, लोगों को ट्रेड करना, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को बताना, लोगों को बताना कि भैया आप हमारे सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल एसेट्स हो, हम आपको ट्रेनिंग इसलिए दे रहे हैं जिससे कि आपका भी डेवलपमेंट हो, और उनके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना और ये देखना कि सारे एम्प्लॉयज अपने स्किल को 100% यूटिलाइज कर रहे हैं, ये काम होता है भैया एचआर वालों का। फिर बात आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, इनके फंक्शंस होते हैं बिजनेस के फाइनेंशियल नीड्स को सेटिस्फाई करना, बिजनेस के लिए बजट बनाना, बिजनेस के फंड्स को कहाँ कहाँ एलोकेट करना है वो चेक करना, ये चेक करना कि कहीं पे भी हम ज्यादा फंडिंग लेके ना बैठे हो, सरकार में कितने कितने कहाँ कहाँ से टैक्सेस आने वाले हैं वो देखना, बिजनेस की सारे फाइनेंशियल पॉलिसीज को बनाना, और साथ साथ में एसेट्स को खरीदना कब है, कौन से एसेट्स को खरीदना है, कितना पैसा उन एसेट्स में डालना है, ये सारा काम फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले करते हैं। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का काम होता है प्रोडक्शन को देखना, प्रोडक्शन के प्लान्स बनाना, प्रोडक्शन के रिसर्च को चेक करना, प्रोडक्शन के लिए अलग अलग प्रोडक्ट मिक्स को रेडी करना, कौन सा प्रोडक्ट कितना बनाना है, किसको कम बनाना है वो चेक करना, टेक्नोलॉजी और मशीन्स को कब अपग्रेड करना है उसे डिसाइड करना, एक ले ओवर बनाना कि कैसी फैक्ट्री होनी चाहिए वो डिसाइड करने का काम भी इनका होता है, क्वालिटी को मेंटेन करना और साथ साथ में अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को बहुत ही सिंप्लीफाई रखना, ये काम होता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट वालों का। सो मैंने जैसे कि कहा था मैं इस एक टॉपिक पे 50 वीडियो बना सकता हूँ, सर इतना बड़ा टॉपिक होता है, बट आपकी बुक में इतनी डिटेल नहीं और मोर ओवर ये रिविजन वीडियो है तो इसमें थोड़ा सा फास्ट हम जाएंगे। इसका मेन मोटिव था आप तक रिविजन पहुंचाने, आप तक हमारे नोट्स पहुंचाने, ये सारे आपके पास स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, अगर आप में से किसी भी नोट्स को बाय करना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपने सारे क्वेरीज उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको इस नोट्स को बाय करने में भी हेल्प करेंगे। इसी के साथ मेरा आज का सेशन खत्म होता है, मैं वापस से कल आऊंगा आपके पास, वापस हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वापस हम इस रिविजन को कंटिन्यू करेंगे, मैं अगले 1 हफ्ते के अंदर ही उसी के सारे चैप्टर्स के रिविजन आपके साथ करने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ना, बोर्ड एग्जाम में सबको फोड़ के आना है, ठीक है गाइस, बाय बाय।